वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी। और ये झटपट बन जाता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट रहता है। आप बना के देखिए एक बार। हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बना लेते हैं पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी। चलिए हम बना लेते हैं पत्ता गोभी की सब्जी। हमने एक बड़ी कटोरी पत्ता गोभी लिया है और हमने दो मुट्ठी चने के दाल भिगो लिया था। और हमने हरी धनिया, एक हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर लिया है। इसे हम थोड़े से बॉईल कर लेंगे चने को, जब तक हम छौंक लगा लेते हैं कैबेज का। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों डालेंगे, थोड़ा मिर्च डालेंगे। अब हम पत्ता गोभी डाल देंगे। अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। दो मिनट के बाद फिर हम इसमें चने का दाल डालेंगे। चने का दाल अभी बॉईल हो रहा है, अभी हम इसे ढक के रख देंगे। चने का दाल हमारा हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें मसाला नहीं ज़्यादा पड़ा है, कितनी अच्छी सब्जी बनी है। इसे हम स्लो करके और दो मिनट के लिए रखेंगे, ढक देते हैं। बिना पानी का, बिना मसाले का, इसमें सिर्फ हमने मिर्च पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है और हरी मिर्च भी हमने डाला है, बिना पानी का, बिना मसाले का। कलर देखिए कितना सुंदर आया है। थोड़ा और हम पकाएंगे सिलो करके। सब्जी हमारी हो गई है, अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। हमें चने के दाल को थोड़ा सा बॉईल करना है, वरना कुकर में एक सीटी लगा देना है। दाल पूरा गलना नहीं चाहिए, ऐसे खड़े खड़े दाल दिखना चाहिए। अब हम गैस बंद कर देते हैं। हो गया है हमारी सब्जी, ऊपर से हम थोड़ा और धनिया डाल देंगे। पत्ता गोभी और चने दाल की सब्जी हमारा बनके तैयार है और झटपट बन जाता है ये सब्जी। अब बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।